अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आप लोगों की डिमांड के ऊपर आज हम लोग लेके आए हैं इस चैनल पर जेसीबी के इस पंप की फिटिंग की वीडियो और जल्दी ही दोस्तों टेस्टिंग की वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा जेसीबी का पंप है। अब बताते हैं हम लोग इसको आपको कैसे फिट करना है, यानी कि असेंबल कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो इसके जो पार्ट्स है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें जो है काफ़ी सारे पार्ट्स जो है वो डैमेज हो गए हैं, जिस वजह से हम लोग पूरा का पूरा किट लगाएंगे और रोटर लगाएंगे इसमें। ये इसका कैमरिंग हमने निकाल लिया है और बाकी के भी जो पार्ट्स है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। इसका रहा रोलर शू, ऑटो एडवांस किट, ये इसमें पूरे किट में आ जाता है। इसका रोलर शू को भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये रहा इसका चार रोलर शू। सबसे पहले जाएगा हमारा रोलर शू, ये आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाना है। ये आप देख सकते हो, इसको जो है आपको ऐसे डालना है। तो ऐसे ही हम लोग चारों जो है रोलर शू को उसको डाल लेते हैं। ये हमारा चारों जो रोलर शू है वो डल गया। अब जाएगा इसके बाद हमारा स्क्रॉल प्लेट, ये आप देख सकते हो ये ऐसे जाएगा। इसके बाद लगेगा हमारा कैमरिंग, कैमरिंग जो है उसको आपको ऐसे डालना है। ये हमारा डल गया कैमरिंग, और इधर में टाइट होगा हमारा कैमरिंग का स्क्रू, ये आप देख सकते हो ये कैमरिंग स्क्रू है, ये इस जगह टाइट हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग टाइट कर लेते हैं। ये आपका 14 नंबर की गोटी से टाइट कर लेना है इसको। अब लगेगा इसमें हमारा रोटर, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। रोटर में भी काफ़ी सारे किट आते हैं इसमें, इसके अंदर आपको लाइनर, ब्लेड वगैरह सारे कुछ मिल जाएंगे और काफ़ी सारे ओरिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। तो ये रहा हमारा रोटर और इसका मीटरिंग यूनिट। रोटर को हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो रोटर है वो आपको कैसे लगाना है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। इसको हम लोग साइड में रख देते हैं क्योंकि इसको आपको बाद में लगाना है। ये रहा इसका लाइनर जो कि रोटर के डब्बे में ही आपको मिल जाता है, और इसके साथ आपको ब्लेड भी मिलता है। ये रहा इसका ब्लेड। चलिए देखते हैं हम लोग रोटर को कैसे लगाना है। ये रहा इसका रोटर। रोटर में आप देख पा रहे हो चार प्लंजर आते हैं इसमें। बड़े वाले जो प्लंजर है वो होल के अपोजिट साइड पे लगेंगे और छोटे वाले जो प्लंजर है वो होल की साइड लगेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रहते हैं इसके। ये वाला जो आप होल देख पा रहे हो रोटर पे, इस साइड जो है छोटे वाले प्लंजर लगेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये होल की साइड छोटे वाला प्लंजर रहेगा, ये आप देखो ये छोटे वाला प्लंजर है, दोनों ही छोटे वाले प्लंजर जो है वो होल की साइड लगेंगे, और उस होल के जस्ट ऑपोजिट साइड ये बड़े वाला प्लंजर रहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप रोटर को लगाओ। और रोटर में जो वो होल है ये आपकी जिस साइड चाबी लगती है उस साइड ये लगेगा। रोटर को जो है वो आपको ऐसे डाल देना है। एक जो स्क्रॉल प्लेट है वो हमने ऑलरेडी लगा दिया था, अब दूसरा वाला को हम लोग रोटर में ऐसे लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको आपको कैसे लगाना है। इसमें आप जरा सा मोबिल दे देंगे ताकि इसका जो ओरिंग है वो कट ना जाए लगाते वक्त। अब देखते हैं इसको आपको कैसे लगाना है। ये होल वाला साइड जो है ये इसके कैमरिंग के स्क्रू के साइड लगेगा, ये आप देख सकते हो ऐसे, और इसको जरा सा आपको पुश कर देना है। ये जो है ये हमारा लग गया है, ये आप देख सकते हो। इस होल को आपको सेंटर कर लेना है। अब जो है अब हम लोग दो वेल्व को लगाएंगे, एक साइड आपका 17 नंबर वाला लगेगा और एक साइड आपका 19 नंबर वाला लगेगा। ये आप देख सकते हो वीडियो पर, इस साइड 17 वाला लगेगा
और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड जो है वो 19 वाला लगेगा। तो इसको अब हम लोग टाइट कर लेंगे। इसमें भी हम जरा सा मोबिल दे देंगे ताकि इसकी जो ओरिंग है वो कट ना जाए। ये दोनों लग गए हमारे, अब इन दोनों को टाइट कर लेंगे। अब जो है अब हम लोग लगाएंगे टीपी राउटर को, इसको भी हम लोग टाइट कर लेते हैं। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज साइड टाइट होगा। तो टीपी राउटर जो है वो हमारा लग गया है। अब ये जाएगा हमारा स्प्रिंग प्रेशर वाल्व, ये किसमें छोटा सा होल रहता है उसमें लगेगा। और ये है टीपी लाइनर, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। और इसके बाद जाएगा हमारा ब्लेड। तो चलिए देख लेते हैं ब्लेड को आपको कैसे लगाना है। ये आप देख पा रहे हो, ये आपको ऐसे लगाना है। उसके बाद हम लोग इसको असेंबल करके इसको भी लगा देते हैं। ओरिंग को हमने ऑलरेडी लगा दिया है, अब इसको लगाने के बाद अब हम लोग इसको भी टाइट कर लेते हैं। अब इधर हमारा तो लग गया है, अब लगेगा हमारा डीवी होल्डर। इसमें जाएंगे सबसे पहले ये वॉशर और फिर डीवी होल्डर को भी हम लोग लगा लेंगे। अगर आपने इसकी डिसअसेंबलिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हो कि इस पंप को आपको कैसे खोलना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग डीवी होल्डर को लगा लेते हैं। ये डीवी होल्डर हमारा लग गया, इस साइड तो कंप्लीट हो गया। अब इधर में हम लोग ऊपर में देख लेते हैं कि इसको कैसे आपको लगाना है, इसका जो गवर्नर आर्म है वगैरह वो सब को। इसको आपको ऐसे डालना है, ये भी देखिए इस तरह से आपका लग जाएगा। अब इसमें जो स्क्रू आते हैं उसको भी हम लोग टाइट कर लेते हैं। ये पहला इसमें लगेगा, दूसरा वाला जो है दूसरा वाला हमारा इसमें लगेगा। अब इसको टाइट करने के बाद अब हम लोग लगाएंगे इसे, यानी कि स्प्रिंग गाइड ब्रैकेट को, इसको भी हम लोग टाइट कर लेते हैं। अब फिर इसमें लगेगा गाइड पिन और स्प्रिंग, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि उसको आपको कैसे लगाना है। उससे पहले इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं। इन चारों को अच्छे से आपको टाइट कर देना है। ये आप देखिए, ये इसका गाइड पिन और स्प्रिंग है, इसको आपको ऐसे लगाना है। ये जो है हमारा लग गया। अब ये वाला जो लीवर है इसको भी आपको लगा देना है, और इसके ऊपर एक लॉक लगता है उसको भी आपको लगा देना है। अब देखिए ये इस तरह से काम करता है। अब इसके बाद लगाएंगे हम लोग इसका कवर को। उससे पहले इस ये जो पिंस निकले हुए हैं इसको हम लोग मोड़ देते हैं ताकि स्क्रू जो है वो हमारा ढीला ना हो जाए। अब इसके बाद जो लीवर सेफ्ट है इसका, उसको भी आपको लगा देना है। ये रहा इसका लीवर सेफ्ट। अब इसका जो कवर है उसको हम लोग लगा लेते हैं। तो इस साइड जो है, इस साइड हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अब हम दिखाते हैं कि आपको जो है इसमें और क्या बच गया और क्या लगा। इसका कवर का जो स्क्रू है इसको भी हम लोग टाइट कर लेते हैं। और फिर ये रहा इसका ऑटो एडवांस, इसको भी हमने असेंबल कर लिया है। इसको दिखाते हैं इसको आपको कैसे लगाना है। इसमें जो ये सिम्स आते हैं ये हम आपको टेस्टिंग के वक्त बताएंगे कि इसको आपको कैसे एडजस्ट करना है। किसी में ये सिम आपको दो मिलेंगे, किसी में तीन मिलेंगे। तो ये रहा इसका ऑटो एडवांस, इसको आपको ऐसे लगा देना है। और फिर इसमें ये वाला जो नट है ये आपको टाइट कर देना है। और फिर यहां पर भी एक नट लगेगा, इसको भी आपको टाइट कर देना। तो पंप जो है वो हमारा असेंबल हो गया है। अब बारी है इसके टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग वीडियो जो है वो कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगी, और लिंक भी जो है आपको वो इसके डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।